फ्रेंड्स, हम तुम और इंडियन क्लब के बीच में आज के दिन का पहला पेज हो रहा है और मौसम में काफ़ी धुंध है। लखनऊ में मौसम काफ़ी ख़राब है, थोड़ा बारिश टाइप में, लेकिन फिर भी रेंज में पेज हो रहा है, करीब 250-300 की रेंज में है और धुंध बहुत है। तो आज के दिन का पहला पेज चल रहा है, फैज़ान भाई ऊपर से लड़ा रहे हैं इंडियन काइट क्लब के मेंबर, नीचे से आमिर आ रहे हैं हम तुम के मेंबर। सही की आवाज़ हो गई है, नीचे से जगह लेते हुए तेज़ हाथों से आमिर जगह लेते जा रहे हैं। फैज़ान भाई भी गर्दन की तरफ अपनी पतंग को बढ़ाते हुए निकलता हुआ मुड्ढा बनाया फैज़ान भाई ने, उसी मुड्ढे को ताकत से भरते जा रहे हैं अंदर की तरफ ही। आमिर ने खींचा, रोका और खड़ा खींच दिया फैज़ान भाई ने, ताकत से गद्दा मार दिया और देखिए झटका, गज़ब का पेज झटक के आमिर ने फैज़ान भाई को ये निकलते हुए मुड्ढे को काट दिया। तो इसी पेज के साथ आज के दिन का पहला पेज, हम तुम काइट क्लब दिल्ली ने इंडियन काइट क्लब लखनऊ को काट दिया। ऊपर से हम तुम के नदीम भाई लड़ा रहे हैं, नीचे से जहर भाई लड़ा रहे हैं। सही आवाज़ हो गई है, जहर भाई नीचे से अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं और पतंग को अपनी कम करके गद्दा मारने की कोशिश नदीम भाई की, देखिए काफ़ी कम करा के ले आए हैं और नीचे से जहर भाई की पतंग काफ़ी बड़ है। निकलता हुआ मुट्ठा बनाया पतंग को कम करके, रोका, फिर से निकलता हुआ बनाया है और अंदर की तरफ ताकत से खींच दिया है जहर भाई ने। काफ़ी ताकत का पेज हुआ, नदीम भाई ने भी ताकत से बाहर की तरफ खींचा लेकिन अंदर की तरफ खींच के जहर भाई ने बढ़िया पेच काटा। जहर भाई ने अभी बहुत बढ़िया पेज नदीम भाई को काटा था दूसरा, और तीसरा पेज नीचे से जहर भाई अपना कंटिन्यू लड़ा रहे हैं। ऊपर से जाहिद भाई आए हैं हम तुम के मेंबर, बढ़िया गेम हो रहा है अभी, स्टार्टिंग तो बढ़िया ही है हम तुम दिल्ली और इंडियन काइट क्लब लखनऊ के बीच में। सही की आवाज़ दी है जाहिद भाई ने लेकिन अभी जहर भाई की ओर से सही की आवाज़ नहीं हुई है। पतंगे दोनों बराबर, देखते हैं, फिर से आवाज़ दी भाई ने तो सही कह दिया जहर भाई ने भी, और जहर भाई अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ करके लड़ा रहे हैं। अंदर की तरफ जगह ली, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया जाहिद भाई ने, रोका, चक्कर लिया और गड़ोता हुआ मार दिया ताकत से जहर भाई ने, बाहर की तरफ ताकत से खींचा, दोनों लोग ताकत से खींच रहे, बढ़िया पेज जहर भाई ने, फिर से बाहर की तरफ खींचते हुए जाहिद भाई हम तुम के मेंबर को काट दिया। तो इसी पेज के साथ जहर भाई के तीन पेज पूरे हो गए। तो जहर भाई नीचे से अपना चौथा पेज लड़ा रहे हैं, ऊपर से दिल्ली हम तुम के शब्बू भाई आए हैं लड़ाने के लिए, सही की आवाज़ दे दी है और पतंग थोड़ी सी बाहर की लग रही है, ऊपर से जब गद्दा मार रहे हैं देखिए अंदर घूम रही है शब्बू भाई की पतंग, देखना यह क्या होता है। पेज 300 की रेंज में लड़ रहा है नादरगंज मैदान में, ये आज दिल्ली और इंडियन काइट क्लब के बीच में पेज हो रहा है। तो देखिए जगह लिए हुए, नीचे से जहर भाई भी काफ़ी टेढ़ा करा है, जूम आउट करके दिखाना पड़ रहा है, ऊपर से शब्बू भाई जहर भाई के हाथ की तरफ जा रहे हैं और नीचे से जहर भाई अंदर की तरफ टेढ़ा करा के जगह लेते जा रहे हैं। धीरे धीरे शब्बू भाई पतंग उतार रहे हैं हम तुम के मेंबर दिल्ली के, काफ़ी पतंग कम कर ली और बढ़ दिए हैं जहर भाई अपनी पतंग को नीचे से, देखना यह है कि कैसे लड़ाते हैं। चौथा पेज लड़ा रहे हैं जहर भाई नीचे से, तीन बढ़िया पेज काट चुके हैं, धीरे धीरे पतंग को कम करते हुए शब्बू भाई ऊपर से, जहर भाई ने खड़ा खींचा, थोड़ा सा मुड्ढा ऊँचा करा, उसी मुड्ढे पर ताकत से शब्बू भाई ने बना लिया, मारते जा रहे बाहर की तरफ, ताकत से खींच दिया है जहर भाई ने भी, दोनों लोग ताकत से खींचे, बढ़िया पेज फिर से कंटी की तरफ खींच के जहर भाई ने काट दिया है लेकिन पतंग हाथ से शायद छूट गई या टूट गई, देखिए डोर आगे से जाके पकड़ी है।
तो शायद डोर हाथ से टूट गई है। तो चार पेज काटे लेकिन टून हाथ से टूट गया, इसलिए पेज बराबर हो गया है। तो अब फिर से अगर जहर भाई काटेंगे तो शुरू से लड़ाना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमारे साथ आज एक बार फिर हैं ताज भाई, और ये देखिए हमारे शब्बू भाई स्टिकर लगाए हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है देखिए शुएब शब्बू दिल्ली 6। दिल्ली 6 से क्या मतलब है शब्बू भाई, एक बार बताइए। दिल्ली 6 पिन कोड है 111006। अच्छा ट्रिपल सिक्स, तो दिल्ली 6 लगता है, इसलिए इनके स्टिकर पे भी है दिल्ली 6। और हम लोग बात करेंगे ताज भाई से जो कि हम तुम के कैप्टन भी हैं, और इससे पहले भी इनका क्लब आया था किंग काइट क्लब, जिसको मैंने सबसे पहली जो वीडियो मेरे काइट जोन चैनल पे पड़ी थी जिसमें किंग काइट क्लब वर्सेस अल शेख का मैच था, उसमें भी हमारे ताज भाई आए थे। और बहुत बढ़िया फैंसी टेपिंग से डिजाइन करते हैं हमारे ताज भाई। तो ताज भाई आज कोई पतंग दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे कोई डिजाइन करी हुई टेप से? पतंग अभी 3-4 तो मैं दिया आया हूं किसी को, बाकी नाम वाले आज मेरे पास डिजाइनिंग मेरे खुद की खुद की है। तो कुछ दिखाइए अपने नाम वाली डिजाइन वाली। देखिए अभी कन्ने बांध रहे हैं, और साथ में हमारे बैठे हुए आरिफ भाई जो कि उर्स छम्मा भाई से भी जाने जाते हैं, और देखिए स्टीकर लगा रहे हैं, पतंग स्टीकर की तैयारी कर रहे हैं। तो ताज भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक बार तो लड़ा चुके हैं आपको, कवर कर चुके हैं, लेकिन तब मेरे मोबाइल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज आपके पेज दिखाएंगे, बहुत बढ़िया पेज आपने उस टाइम भी काटे थे। तो क्या कहना है आपकी बार का, आज की तैयारी कैसी है? देखिए जी कोशिश पूरी करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। और कल भी आपका किसी से गेम हुआ था? कल हमारा अच्छा राज भाई से, क्या रहा था उसमें? राज भाई से हमारे 5 पर्चे कल कम रह गए। अच्छा कम गए थे। और कल भी किसी से मैच है? कल हमारा इंडियन से गेम, A1 से गेम है, कल A1 से गेम है। तो देखिए ताज भाई का कल भी गेम है हम तुम क्लब का, तो हम लोग देखेंगे कि किससे गेम है। और देखिए अपने हाथ की कुछ जो डिजाइन करते हैं टेप से ताज भाई वो दिखा रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहले छोटी वाली पतंग दिखाइए, देखिए अपने हाथ से छोटी सी पतंग बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत दिख रही है, उड़ जाती है पतंग, उड़ जाएगी, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी खूबसूरत छोटी पतंग, और देखिए दूसरी पतंग के ऊपर रख देंगे तो आपको साइज पता चलेगा, हो सकता है ऐसे ना समझ पा रहे हो। ये देखिए दुकानों पे आपने देखा होगा ऐसी पतंगें छोटी लगी रहती हैं, बहुत खूबसूरत। तो ताज भाई ये आपने खुद बनाई है? जी अपना हाथ की। अच्छा अपने हाथ की, बहुत बढ़िया छोटी सी खूबसूरत पतंग, टूर्नामेंट साइज की पतंग, आप लोग टूर्नामेंट लड़ाइए इस पतंग से। और ये देखिए ताज भाई ने अपने हाथ से खूबसूरत पतंगें बनाई है, वर्ल्ड वाली देख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत, क्या खूबसूरत पतंग है, वाह। शब्बू भाई कौन सी रील बांध रहे हैं आप? ये विनोद भाई की डोर है इलाहाबाद वालों की। अच्छा विनोद भाई की डोर है इलाहाबाद की, स्पेशल बनवाई हुई है जी भाई। तो मतलब क्या चौबारा है या नॉर्मल डोरी है? नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल डोरा नौशेरा, क्या नाम है इस डोर का? नौशेरा ब्रांड बना रखा है ये नौशेरा। अच्छा तो ये इलाहाबाद में ही बनाते हैं? हाँ बनाते इलाहाबाद में, लेकिन दिल्ली से बेचते हैं। अच्छा बनाते इलाहाबाद में लेकिन दिल्ली से बेचते हैं नौशेरा। देखिए ये चरखी है विनोद भाई, और ये देखिए इस पे नौशेरा भी ये लिखा है, विनोद भाई नौशेरा, बढ़िया चरखी। फ्रेंड्स एक ये बंडल देख सकते हैं हम तुम क्लब में, ये 18 फिरकी का बंडल है, काफी बड़ा है। देखिए नॉर्मल बंडल साथ में रखा हुआ है, उससे चक्का देखिए इसका कितना बड़ा है, गजब की डोर है। और नॉर्मल से जो है इसमें काफी ज्यादा वजन है, जिसके बारे में जावेद भाई बताएंगे। बंडल के बारे में हम दूसरे क्लब जो है इंडियन क्लब उसके जावेद भाई से पूछेंगे। तो जावेद भाई देखिए काफी वजन है और काफी बड़ा बंडल 18, कुछ कहना चाहेंगे इस बंडल के बारे में? भाई ये तो जी बैग में रखना बड़ा मुश्किल होता है, इसको रखना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा क्यों? कैरी करना मुश्किल है, बहुत वेट हो जाता है, बहुत वेट हो जाता है, 2 के बराबर 1 है ये। देखिए काफी बड़ा बंडल है हम तुम दिल्ली क्लब के पास, 18 फिरकी का बढ़िया बड़ा बंडल, और रील भी अच्छी। और जावेद भाई खुद इस बंडल के बारे में बता रहे हैं जो कि इंडियन काइट क्लब के कैप्टन है। देखिए हमारे शम्मा भाई और आरिफ भाई टिकट के बारे में बता रहे हैं, टिकट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, दिखाइए जरा टिकट। ये देखिए टिकट है हमारा, ये देखिए ये आपको सिल्वर कलर का टिकट दिख रहा है, ये सिल्वर स्टील है, मैं आपको दिखा गाड़ी को लड़ा के दिखा दूं, देखिए गाड़ी की है, आप आवाज सुन सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये प्लास्टिक वास्टिक नहीं है, और ये बढ़िया स्टील का टिकट, एक बार बनवा लेंगे हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगी। कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में आरिफ भाई? जी बस कहना ये चाहता हूँ कि ये मैंने टिकट इससे दिल से बनवाए हैं कि अच्छा। ये कभी खराब ही नहीं हो सकती टिकट, कभी खराब जाए वॉश हो जाए कुछ करिए आराम से चलाइए, पूरी टीम बदल जाए पर ये टिकट कभी नहीं बदलेगी, कभी टीम, देखिए क्या बात कही कि टीम बदल जाएगी टिकट नहीं बदलेगा। और इसे कितने आपने ये बनवाए, कितने नंबर तक बनवाया? 30 नंबर तक बनवाए। अच्छा 30 नंबर तक खाली बनवाए, तो देखिए बढ़िया स्टील के टिकट है, 30 नंबर तक आरिफ भाई ने बनवाए हम तुम काइट क्लब दिल्ली 6। ज्यादा देना नहीं चाहते किसी को भी, अच्छा तो देखिए आरिफ भाई कह रहे इससे ज्यादा हम नहीं कटेंगे, इसलिए 30 ही तक बनवाए, इतने में ही जो करना है हो जाए, बढ़िया बढ़िया स्टील का बढ़िया टिकट आरी भाई के हाथ। तो नीचे से जहर भाई लड़ा रहे हैं, फिर से लड़ा रहे हैं क्योंकि पतंग पेज पे टूट गई थी, मैंने आपको दिखाया था, और ऊपर से अब लड़ाने ताज भाई जो कि बढ़िया लड़ाते हैं, किंग क्लब में भी लड़ाया था इन्होंने, देखिए सीधा गधा ताकत से मारते जा रहे, जहर भाई ने बाहर की तरफ खींचा, दोनों लोग खींचते जा रहे पतंग घुसेड़ दिया, जहर भाई की पतंग भी दिख रही, दोनों लोगों ने पतंग घुसेड़ दिया, तो जहर भाई की पतंग पलट के आ गई है, इसका मतलब ताज भाई की पतंग कट गई, बढ़िया पेज खींचते हुए एकदम घुसेड़ के काटा है जहर भाई ने पहला अपना। फिर से नीचे से जहर अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, ऊपर से
आमिर हम तुम क्लब के मेंबर काटने के लिए आए हैं, और मैं बता दूं अगर पतंग ना टूटी होती तो कंटिन्यू ये पांचवा पेज होता ज़ाहिर भाई का। तो देखते हैं आपकी क्या होता है। अंदर की तरफ काफ़ी ताकत से जल्दी से उतारा है आमिर ने, और नीचे की तरफ पट कर लिया ज़ाहिर भाई ने। वापस से बाहर की तरफ आ रहे हैं ज़ाहिर भाई अपनी पतंग को लेके। देखिए हर बार की तरफ बढ़ करा के टेढ़ा कराए रहते हैं ज़ाहिर भाई, और मौका देते हैं पूरा गद्दा मारने का। काफ़ी ऊंचा मुड्ढा भी दे रहे हैं और ऊंचा ऊंचा ही अपनी पतंग को कम करते जा रहे हैं आमिर हम तुम क्लब के मेंबर। वापस से मुड्ढा नीचे रखा है ज़ाहिर भाई की पतंग काफ़ी बढ़ बीचों बीच में आए, फिर से बीच में मुड्ढा रखा, थोड़ा ऊंचा करके मुड्ढा दिया, अंदर की तरफ गद्दा मारा, पतंग हल्की हल्की अंदर की तरफ आ रही, बढ़िया पेज काट दिया। देख सकते हैं आपकी बस ज़ाहिर भाई को सीधा खड़ा खींचा, लेकिन जो पतंग आमिर की थी थोड़ी बाहर की थी, गद्दा मारते रहे, हल्की हल्की अंदर आई और कट गया ज़ाहिर भाई। हमारे साथ में जो हम तुम काइट क्लब के कैप्टन है आरिफ भाई, और जो वाइस कैप्टन है ताज भाई भी हैं। तो आरिफ भाई हमें एक नंबर अपना दे दीजिए, जिससे कोई लोकल गेम जो आपके दिल्ली की हो वो तो आपको जानते होंगे, लेकिन कोई परदेशी गेम जी, जो परदेशी गेम हो आपका वो भी अगर आपसे तय करना चाहे, क्योंकि काफी क्लब अच्छा है आपका और आप आते भी रहते हैं जल्दी जल्दी लखनऊ, तो कोई और भी शहर का अगर हो तो आपसे किस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके गेम तय कर सकता है जी। मेरा नंबर है 92,5,000-7,500। तो देखिए नंबर है बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, और देखिए उन्होंने दिखा दिया 5,000-7,500। देखिए नंबर दिखा दिया है, डिस्प्ले भी हो गया है। आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके चाहे आप आरिफ भाई से या फिर ताज भाई से बात कर ले, और हम तुम काइट क्लब जो कि दिल्ली 6 का क्लब है उससे आप गेम तय कर सकते हैं। ऊपर से लड़ा रहे हैं जावेद भाई कैप्टन इंडियन क्लब के, और नीचे से लड़ा रहे हैं नदीम भाई हम तुम के मेंबर। एक पेज काट चुके हैं, दूसरा पेज अपना लड़ा रहे हैं, पतंग को बढ़ दिए हैं। ऊपर से जावेद भाई काफ़ी हाथ की तरफ रखते हुए बाहर का निकलता हुआ ताकत से कदम मारा, और बाहर ताकत से ही खींचते जा रहे हैं, लेकिन कट गए नदीम भाई, बढ़िया ताकत से पतंग को कम करके जावेद भाई ने गद्दा मार दिया। तेज लड़ाने में इतने तेज खिलाड़ी भेज रखे हैं तुमने आगे, तो सांस तो काबू में लाओ अपना। सांस यार क्या करूं, वजन की वजह से सांस आ जाती है। मेरे जैसा फिगर बनाओ फिर। नहीं बन पाऊंगा। तो नीचे से तुषार लड़ा रहे हैं इंडियन गाइड क्लब के मेंबर, ऊपर से आमिर मुड्ढा रखते हुए। थोड़ी सी रेंज कम हो गई है अब, थोड़ा सा गर्दन की तरफ बढ़ते हुए आमिर, और नीचे से जगह लिए हैं, टेढ़ा कराए हुए हैं तुषार, पीछे बढ़ते हुए काफ़ी तेज़ हाथों से वो पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं। आमिर भी ऊपर से हैं और पीछे बढ़ते जा रहे हैं, मुड्ढा बनाया गर्दन की तरफ, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, पतंग थोड़ी सी बाहर की है, मारा गद्दा अंदर की तरफ पूरी घूम के आई, अंदर की तरफ ही तुषार ने खींच दिया, बढ़िया पेज झटकते हुए काट दिया आमिर को। नीचे से तुषार अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, ऊपर से ताज भाई आए हैं काटने के लिए, तो देखते हैं कैसा होता है ये पेज। थोड़ा सा बढ़ करके ताज भाई ने पतंग को रखा, नीचे से तुषार जगह लेते जा रहे हैं, टेढ़ा कराए हैं, सही की आवाज़ हो चुकी है, अपनी पतंग को हवा की सी से चला रहे हैं ताज भाई, और उसी डायरेक्शन में रोके हुए हैं। नीचे से तुषार भाई पतंग से जगह लेते जा रहे हैं, टेढ़ा कराए हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर करके उठा लिया ताज भाई ने अपनी पतंग को, वापस से मुड्ढा रखा है। नीचे से तुषार भाई जगह लेते जा रहे हैं इंडियन काइट क्लब के मेंबर, और ऊपर से ताज भाई थोड़ा सा गर्दन के पास, थोड़ा गर्दन के पास रखे हुए हैं, पीछे पीछे मुड्ढा रखा, अंदर की तरफ ताज भाई ने पतंग को ताकत से उतारा, बाहर की तरफ ताकत से खींच भी रहे हैं, और देखिए फिर से रोका, बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया था ताज भाई ने खींचते खींचते, लेकिन सल्लक कंठी की तरफ खींचते हुए तुषार ने बढ़िया पेज ताज भाई को काट दिया और अपने दो पेज पूरे कर लिए। नीचे से तुषार अपना तीसरा पेज लड़ाने जा रहे हैं, ऊपर से
हम तुम के जाहिद भाई काटने के लिए आए हैं, तो देखते हैं क्या रोक पाएंगे तीसरा काटने से तुषार भाई को। हम तुम के मेंबर धीरे धीरे मुड्ढा रखते हुए, सही की आवाज़ हो गई है, जगह लेते जा रहे हैं तुषार भाई तेज़ हाथों से ऊपर से अपनी पतंग को चलाते हुए जाहिद भाई। तो देखते हैं ये है कि कैसा ये होने वाला है पेज। थोड़ा गर्दन की तरफ अपनी पतंग को लेके चलते हुए जाहिद भाई और टेढ़ा कराए हुए कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा जगह लेने की। नीचे से तुषार भाई पेज काफ़ी ऊंचा लड़ रहा है, तो जाहिद भाई मुड्ढा नहीं रख रहे हैं, ऊंचा ऊंचा ही अपनी पतंग को चला रहे हैं। नीचे से तुषार भाई जगह लेते जा रहे हैं और गर्दन के पास ही अपनी पतंग को रखे हुए हैं। ऊपर से जाहिद भाई अंदर की तरफ नहीं जा रहे, पतंग थोड़ा सा बाहर की है तो ऊपर से उतार रहे हैं तो अंदर की तरफ घूम रही है। देखते हैं खींचने पे कि कैसा मुड्ढा निकलेगा। देखिए ऊंचा करके काफ़ी जल्दी से तुषार भाई ने मुड्ढा बनाया है, उसी पे गड़ोता हुआ मारने की कोशिश करी। देखिए पतंग अंदर की तरफ आया, वो अंदर की तरफ तेज़ खींच दिया, जैसे ही खींचा दौर मिल गई और जाहिद भाई अपना ये पेज कट गए और पतंग भी थोड़ी बाहर की थी, मुड्ढा रखते ही अंदर को स्लिप हुई। बढ़िया पेज तुषार भाई ने अपना तीसरा काट दिया। अज्जू भाई ले ली, ले ली भैया, पहले ले ली कायदे से ले। तो देखिए मजाक चल रहा है, ये बताइए अज्जू भाई पीछे हाथ करे थे, गाजर आधी आई आधी कहाँ गई? मजाक हो रहा है, ये देखिए भाई गाजर पूरी थी भाई। तो देखिए हमारे भाई बता रहे हैं, अखिल भाई क्या कहना चाह रहे हैं कुछ? भाई ये अज्जू भाई अभी पूरी गाजर लेते आधे पता नहीं कहाँ चले गए, ये इन्हें पीछे कर रहे हैं। टीम के वाइस कैप्टन है, टीम के वाइस कैप्टन है, बढ़िया पतंग लाते हैं, आजकल आ नहीं पा रहे। अच्छा असली मजाक चल रहा है, ये इंडियन काइट क्लब लखनऊ का और इसके कैप्टन हमारे जावेद भाई। तो जावेद भाई अपना एक नंबर भी प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कोई परदेशी या लोकल आपसे शौक करना चाहे तो किस नंबर पे बात करें इंडियन काइट क्लब से शौक करने। 7007 4 8 3 1 4। तो ये नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया है, जावेद भाई कैप्टन है इंडियन काइट क्लब के लखनऊ के, आप इनसे शौक कर सकते हैं या लोकल गेम भी अगर आपको तय करना है तो इनसे कांटेक्ट करके आप तय कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी नंबर चलाते हैं जावेद भाई, व्हाट्सएप पे भी चलाते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी इनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और ये पूरी टीम इनकी खड़ी है इंडियन काइट क्लब की, जो कि आज दिल्ली 6 हम तुम काइट क्लब से गेम हो रहा है। हमारे साथ इंडियन क्लब के सलमान भाई हैं, जिन्होंने ये क्लब ओपन किया था 1962 में। तो हम लोग बात करते हैं सलमान भाई से। तो सलमान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो कुछ क्लब के बारे में बताइए, काफी पुराना क्लब है काफी, क्योंकि उस समय हम मुझे लगता है दो ही तीन क्लब थे 1962 में, गांधी हो गया और अमीनाबाद हो गया। बहुत सच है। तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। क्लब था जी राजेंद्र काइट क्लब है जी, ये सब पुराने क्लबों में। तो आप अब भी शौक कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, एक आज पेज अंधों में लड़ाई है। अच्छा, तो देखिए अभी लड़ाएंगे हमारे सलमान भाई, तो हम लोग कवर करेंगे। तो कुछ बताइए इसके बारे में, मतलब कैसे क्लब ओपन हुआ, क्या सोच के ओपन हुआ, आपके साथ के उस टाइम कौन लोग थे जो अब हैं इस वक्त क्लब में अभी भी या छोड़ दिया जिन्होंने? कुछ सरवर जमाल भी इसमें थे। अच्छा, सरवर जमाल जी ने लड़ाया। अच्छा, तो नंदलाल थे। अच्छा, नंदलाल पुरानों में, रजा थे, अच्छा आलिम रजा थे, उन लोगों के इंतकाल हो गए हैं सरवर जमाल को छोड़ के। जी जी जी, जहाँ उस्ताद तो हैं, उस्ताद से तो मुलाकात रहती है, सब इसी में लड़ाते थे। अच्छा, हरिओम लड़ाते थे, हरिओम लड़ाते थे। तो देखिए काफ़ी मशहूर प्लेयर है हरिओम भी लखनऊ के, उस्ताद तो सरवर जमाल जी को जानते ही हैं आप लोग, पुराने हैं। तो देखिए हमारे सलमान भाई अभी पेज लड़ाएंगे तो हम लोग कवर करेंगे। और ज़ाहिर भाई जो हैं, जिनको मैंने अभी पेज लड़ाते हुए वीडियो में आपको दिखाया है, वो इनके साहबजादे हैं सलमान भाई। ज़ाहिर साहब की भी खासियत है, 8 साल के तो पहला पेज लड़ाया था। अच्छा, जब 8 साल के थे तो पहला पेज लड़ाया था, तो काटा था सलमान भाई ये कटे थे मून काइट क्लब के अतीक से पेज हो रहा था जी। अतीक नीचे से पट मार रहे थे, ज़ाहिर ऊपर से पट मार रहे थे, मिचली बगिया में बंदे में दोनों घुस गए थे। अच्छा, दोनों घुस गए थे, तो पहला पेज जो ज़ाहिर भाई का था उसमें दोनों लोग पेज पे घुस गए थे। तो ये है हमारे साथ, 8 साल की उम्र थी। तो ये देखिए इस टाइम आप देखिए कैप्टन तो जावेद भाई हैं, लेकिन संरक्षक जो हैं आज भी वो सलमान भाई हैं, जिन्होंने ये इंडियन काइट क्लब 1962 में ओपन करा था। बहुत बढ़िया, और अभी पेज लड़ाएंगे तो हम लोग कवर करेंगे।
चौथा पे लड़ा रहे हैं नीचे से तुषार अपना कंटिन्यू, ऊपर से आए हैं ताज भाई हम तुम काइट क्लब के मेंबर, देखते हैं ये है कि कैसे काटेंगे। रेंज भी काफ़ी कम हो गई है, अब 200-250 की रेंज में ही पेज लड़ रहे हैं क्योंकि धुंध का मौसम भी है। नीचे से तुषार जगह लिए हुए हैं, थोड़ा सा गर्दन के पास ही पेज हो रहा है, ऊंचा करके मुड्ढा दिया तुषार, अपनी पतंग को चला रहे हैं, निकलता हुआ ताज भाई ने पतंग को बनाया, सीधा गद्दा वापस से मारा है ताज भाई ने अंदर की तरफ, और देखिए ताकत से खींचा और बढ़िया पेज काट दिया ताज भाई को तुषार भाई ने, और चौथा पेज अपना पूरा कर लिया। तो पांचवा पेज लड़ रहा है, ऊपर से आए हैं नदीम भाई हम तुम के मेंबर, नीचे से तुषार जगह लेते हुए, और काफ़ी रेंज कम हो गई है और काफ़ी पीछे भी बढ़ते जा रहे हैं तुषार धीरे धीरे, और ऊपर से हम तुम के मेंबर नदीम भाई मुड्ढा रखते हुए, देखते हैं कि पांचवा पेज पूरा कर पाएंगे कि नहीं। नीचे से तुषार काफ़ी बढ़ दे के अपनी पतंग को चला रहे हैं अंदर की तरफ, हाथ की तरफ उतारते जा रहे हैं, इसी के साथ नदीम भाई हम तुम के मेंबर वापस से बाहर की तरफ मुड्ढा दिखाया फिर अंदर की तरफ, और ऊँचा ही ऊँचा चला रहे हैं पतंग को, कम करते जा रहे हैं, रेंज काफ़ी कम हो गई है, और गर्दन के पास वापस से जाते हुए उसी मुड्ढे को बनाए हुए हैं लगातार नदीम, रोका वापस अंदर की तरफ देखिए मारा है, और जैसे ही अंदर की तरफ मारा झटक दिया सिर्फ तुषार ने, और पांच पेज अपने काट के पूरे कर लिए, बढ़िया पेज तुषार ने काट दिया। और कहते हैं बढ़िया चरखी देखिए हमारे आमिर भाई के हाथ में जो कि हम तुम काइट क्लब के मेंबर हैं, और चरखी देखिए विकास भाई और मोना भाई कितनी गजब की चरखी, काम की चरखी आप लोगों की। तो इसके बारे में आमिर भाई कुछ बताइए, किसकी रील है? रील भी खुले बल की डोर है, ये देखिए विनोद भाई की रील है, विनोद भाई की रील है। अच्छा ये जो अभी बताया था ताज भाई ने कि जो अलाहाबाद के कारीगर जी 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 उनकी रील। अच्छा तो डोर भी खुले बल की है, कुछ स्पेशल बनवाई हुई है क्या? लच्छी वाली है भाई। अच्छा ये लच्छी डोर है जी जी जी, लच्छी की डोर है, गजब की डोर है, देख सकते हैं आप। क्या प्राइस होगा आमिर भाई इसका? भैया 2900 रुपए की डोर है, आमिर भाई बांध के जा रहे हैं, जब इनका पेज होगा तो देखेंगे, गजब की डोर है लच्छी वाली, विनोद भाई की नौशेरा अलाहाबाद की। चलो और ये देखिए छठा पेज लड़ता हुआ, नीचे से तुषार भाई जगह लिए हुए हैं, देखना ये है कि क्या सात पूरे कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सात का ही नाम होता है जो सात काटता है। तुषार भाई छठा पे लड़ाते हुए, ऊपर से नदीम भाई लड़ाते हुए गर्दन के पास बढ़ते हुए, देखिए सल्लक गर्दन के पास चले जा रहे हैं, घेर लिया है नदीम भाई ने तुषार भाई को, और उसी मुड्ढे को बनाए हुए हैं, हटा नहीं रहे। तुषार भाई ने बाहर का मुड्ढा दिखाया, खड़ा खींच दिया, निकलता हुआ मुड्ढा है नदीम भाई का, बढ़िया काट दिया तुषार भाई ने मुड्ढा पलट के, छः पेज पूरे कर लिए तुषार भाई ने अपने इसी पेज के साथ। फ्रेंड्स ये हम तुम दिल्ली और इंडियन लखनऊ के बीच में ये आज का सातवां पेज हो रहा है, जो कि तुषार भाई नीचे से सातवां कंटिन्यू काटने के लिए आए हैं, और ऊपर से आमिर हम तुम के मेंबर रोकने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या रोक पाते हैं सातवां काटने से इंडियन काइट क्लब के मेंबर तुषार भाई को, या फिर तुषार भाई आज अपने हम तुम के खिलाफ सात पेज पूरे कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पतंग को बढ़ दिए हैं आमिर भाई हम तुम के मेंबर, और नीचे से तुषार भाई अपनी पतंग को चलाते हुए 200-250 की रेंज में ये पेज हो रहे हैं, गर्दन की तरफ बढ़ते हुए आमिर भाई हम तुम के मेंबर नीचे से जगह लिए हुए हैं, पतंग को थोड़ा सा कम कर रहे हुए हैं अपनी अब की बात तुषार भाई, और पतंग को एक ही सीध में थोड़ा सा डोल निकालते जा रहे हैं, ऊपर से आमिर भाई गर्दन की तरफ बढ़ते हुए तुषार भाई अपनी पतंग को चला रहे हैं, जगह लिए हैं, पतंग को सलग चला रहे हैं, डोर को ढीला नहीं छोड़ रहे, गर्दन के पास और बढ़ते हुए आमिर हम तुम के मेंबर और टेढ़ा कराते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी करने की तरफ पेज आ रहे हैं, और पीछे बढ़ते जा रहे हैं दोनों ही मेंबर। तुषार भाई ने थोड़ा खड़ा मुड्ढा देखा लेकिन पेज करने के पास आने की वजह से पट कर ली, उसी को घेरा वापस से आमिर ने, और वापस और करने की तरफ बढ़ते हुए डोर छोड़ी है, और देखिए उसी डोर छोड़े पे ताकत से जल्दी से बढ़िया मुड्ढा देख के कि डोर छोड़ी है उसी पे फान गए आमिर, और बढ़िया पे तुषार को काट दिया। ऊपर से लड़ा रहे हैं इंडियन काइट क्लब के कैप्टन जावेद भाई, नीचे से आमिर अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं, अभी इन्होंने एक सातवां रोका था तुषार भाई को काट के, उसी पतंग को नीचे से लेके गए हैं, अब देखते हैं कि कितने पेज काट पाते हैं इस पतंग से नीचे से आमिर भाई, ऊपर से जावेद भाई अपनी पतंग को रखते हुए।
निकलता हुआ मुड्ढा जावेद भाई ने बनाया, काफी ऊंचा करके आमिर ने दिया, उसी मुड्ढे को ताकत से बाहर खींचा हुआ, डबल होती हुई पतंग जा रही है जावेद भाई की, दोनों लोग खींच रहे हैं बढ़िया। देखिए कंठी की तरफ पूरी पतंग घूम गई आमिर की और गजब को बाहर खींचते हुए जावेद भाई इंडियन काइट क्लब के कैप्टन ने ये पेज आमिर को काट दिया। से लड़ा रहे हैं जाहिद भाई हम तुम के मेंबर, नीचे से लड़ा रहे हैं चंदू भाई इंडियन काइट क्लब के मेंबर और ये पेज सही हो चुका है और हवा थोड़ी सी आ गई तो पेज फिर से 350 की रेंज में निकल चुका है। ऊपर से गद्दा मारते हुए जाहिद भाई, पतंग थोड़ी सी ख़राब लग रही है, ताकत से मारा गद्दा होता कि बाहर की तरफ खींचा चंदू भाई ने, दोनों खींचे लेकिन बढ़िया पेज काट दिया जाहिद भाई ने गर्दन के पास बड़ दे के गद्दा मारते हुए चंदू भाई को इंडियन काइट क्लब के मेंबर को। तो नीचे से लड़ा रहे हैं जहर भाई, ऊपर से लड़ा रहे हैं जाहिद भाई हम तुम के मेंबर, कार्ड के अपने मेंबर नीचे ताज भाई को चांस दे चुके हैं, अब दोबारा देखिए कार्ड के चांस दे पाते हैं कि नहीं। नीचे से जहर भाई अंदर की तरफ ताकत से जाहिद भाई ने खींचा है और देख झटकते हुए बाहर की तरफ जहर भाई ने झटके दिए और जो जाहिद भाई की पतंग थी अंदर के मुड्ढे पर वो कट गई बड़े आराम से। तो नीचे से जहर अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं और ऊपर से लड़ा रहे हैं सब्बू हम तुम के मेंबर, काफ़ी ऊंचा करके जहर ने मुड्ढा दिया है, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, सल्लक चपटा बाहर की तरफ खींच रहे हैं शब्बू, जहर ने भी सल्लक बाहर की तरफ खींचा है, रोका, देखिए कंठी मार दी, बड़ पतंग है शब्बू की, कंठी मारते जा रहे हैं, अब झटक रहे हैं ताकत से खींचने लगे, दोनों लोग खींच रहे हैं पट की तरफ, दोनों पतंग बढ़िया पेज, जहर ने पट की तरफ खींच के शब्बू की पतंग को जो बड़ थी काट दी, बढ़िया पेज काटा। जहर नीचे से तीसरा पेज लड़ा रहे हैं, ऊपर से नदीम हम तुम के मेंबर मुड्ढा रखते हुए, देखते हैं जहर अपना तीसरा पेज काट पाते हैं कि नहीं। ऊँचा करके मुड्ढा दे रहे हैं जहर और गर्दन की तरफ है नदीम अपनी पतंग को चलाते हुए, नदीम की पतंग थोड़ी सी बाहर की लग रही है, जब मुड्ढा उतार रहे हैं वापस से अंदर की तरफ उतरती जा रही है, अब पेज पे खींचेंगे तब पता चलेगा। और थोड़ी सी पतंग को बढ़ दिए हुए हैं नदीम अपनी और गद्दा बनाया, देखिए अंदर की तरफ पतंग घूम रही है, जहर ने ऊँचा करके काफ़ी मुड्ढा दिया, निकलता हुआ मारा है नदीम ने और देखिए जैसे ही बाहर की तरफ खींचा दो हाथ ही खींचे होंगे जहर ने और पतंग कट गई नदीम की। इसी पेज के साथ तीन पेज पूरे हो गए जहर के। जहर अपना नीचे से चौथा पे लड़ा रहे हैं इंडियन काइट क्लब के लिए और ऊपर से हम तुम के मेंबर आमिर आए हैं काटने के लिए, तो देखते हैं कि कैसे काटेंगे, रोक पाते हैं कि नहीं जहर को चौथा पेज काटने से। बढ़िया पे लड़ा रहे हैं जहर, मुड्ढा भी पलट देते हैं एंड टाइम पे, हवा आ गई है तो पेज भी थोड़ा 300 की रेंज में लड़ रहा है, दोनों की पतंगे बराबर। नीचे से जहर जल्दी जल्दी टेढ़ा कराते हुए, ऊपर से आमिर मुड्ढा रखते हुए बीचों बीच में अपनी पतंग को मुड्ढा उतारते हुए, जहर ने ऊंचा करके मुड्ढा दिया, आमिर थोड़ा सा गर्दन की तरफ निकलता हुआ गद्दा बनाया, रोका, वापस से निकलता हुआ गद्दा ताकत से बनाया, जहर भी बाहर की तरफ खींच रहे हैं, देखिए फिर से रोका हुआ अंदर की तरफ वापस से खींच रहे हैं, दोनों लोग खींच रहे हैं, डबल हो गई है ये, लेकिन कट गए जहर।
ऊपर से लड़ा रहे हैं बंटी इंडियन के मेंबर और नीचे से लड़ा रहे हैं हम तुम के आमिर जो कि तीन पेज काट चुके हैं। पेज सही हो चुका है, नीचे से जगह लेते हुए थोड़ा सा गर्दन की तरफ ही है बंटी भाई, बीच में नहीं जा रहे, थोड़ा बीच में मुड्ढा बनाया, सही की आवाज़ हो चुकी है दोनों मेंबर की तरफ से, ऊंचा करके काफ़ी मुड्ढा दिया आमिर ने और अंदर की तरफ जगह लिए हुए हैं, टेढ़ा कराए हुए हैं, गड़ोता में मुड्ढा बंटी भाई ने बनाया, उसी को मारते जा रहे हो बाहर की तरफ, ताकत से आमिर ने भी खींचा है, खींचते जा रहे हो, बढ़िया पेज चौथा अपना बंटी भाई को काट के पूरा कर लिया है। तो नीचे से आमिर अपना पाँचवा पेज लड़ा रहे हैं, ऊपर से जावेद भाई इंडियन के कैप्टन अंदर की तरफ मुड्ढा रखते हुए झटक रहे थे लेकिन वो पीछे तरफ झटकते हुए भागा आमिर भी और ये बढ़िया पेज काट दिया है जावेद भाई को। तो फ्रेंड्स 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, मैं टिकट से अपडेट कर देता हूँ कि किंग और इंडियन के बीच में किसके पास कितने टिकट है। तो जावेद भाई 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, टिकट कितने हैं आपके पास? भाई हमारे पास 6 टिकट है। 6 टिकट है हम तुम के जी। तो जावेद भाई ने अपडेट कराया कि हम तुम के इस वक्त 2:30 बज रहे हैं और 6 टिकट है इंडियन काइट क्लब के पास। 4:30 बजे हम लोग फिर से अपडेट करेंगे आपको कि किसके पास कितने टिकट हैं। और देखिए हमारे पास मुजान काइट क्लब के कैप्टन और ये देखिए काशिप भाई खड़े हैं इंटरनेशनल के मेंबर। हमारा काशिप भाई आप लोग का तो गेम नहीं, कैसे आज यहाँ मैदान में? जहर भाई की मोहब्बत में आए। अच्छा जहर भाई की मोहब्बत में आए, हमारे जहर भाई इनको जहर दीजिए, ये दूसरे क्लब के मेंबर हैं मैदान में आ गए। पीछे हमारे बंटी भाई और इधर देखिए एक और क्लब के कैप्टन है और ये देखिए मुजान क्लब के कैप्टन, ये भी कैप्टन है, हाथ अपने गर्म कर रहे हैं, देखिए पतंग उतार रहे हैं। कैसे भाई सिम्बू भाई जी, भाई कैसे मैदान में आज? बस जहर भाई की मोहब्बत बंटी, सब लोग जहर भाई की मोहब्बत में, जहर भाई बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। और ये है देखिए, ये है इंडियन क्लब के मेंबर जहर भाई, ये सब लोग के औलाद हैं, ये मतीन भाई के औलाद है। और ये बताइए, ये सब कह रहा है आपकी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में ऐसा क्या? मोहब्बत तो है भाई, जो मोहब्बत है भाई देखिए खड़े में। देखिए जहर भाई की मोहब्बत में दो दो आए, देखते हैं शाम तक और कितने इनकी मोहब्बत में आते हैं। तो नीचे से अकिल भाई अपना तीसरा पे लड़ा रहे हैं और ऊपर से आमिर आए हैं हम तुम के मेंबर, टेढ़ा करा के जगह लेते हुए अकिल भाई, बीचों बीच में मुड्ढा उतारते हुए हम तुम के मेंबर आमिर भाई और थोड़ी सी पतंग को बढ़ दिए हुए अकिल भाई, बढ़िया दो पेज काट चुके हैं। एक पेज इन्होंने आमिर, जिसे आमिर ने 5 पेज काटे थे वो पतंग भी रोकी थी इन्होंने 6 पेज पे। तो देखिए एक पतंग आ रही है इसलिए जगह नहीं ले पा रहे आमिर, आमिर अपनी पतंग को धीरे धीरे ऊँचा ऊँचा ही कम करते जा रहे हैं। पतंग थोड़ी सी बढ़ है अकिल भाई की, इंडियन काइट क्लब के मेंबर की, और देखिए ऊपर ऊपर खींच के अपनी पतंग को जल्दी जल्दी कम कर ले रहे हैं और अकिल भाई की पतंग काफ़ी बढ़, बीचों बीच में मुड्ढा उतारा वापस से, पतंगें सही हो चुकी हैं, अगर किसी की पतंग टूट गई तो पेज माना जाएगा। और देखिए जल्दी जल्दी फिर से ऊपर से खींच के जल्दी जल्दी अपनी पतंग को कम करते जा रहे हैं हम तुम के मेंबर और वापस से देखिए मुड्ढा अंदर की तरफ रखते हुए, और नीचे से अकिल भाई भी अपनी पतंग को लगातार कम करते जा रहे हैं क्योंकि जानते हैं ज़्यादा बढ़ होगी पतंग तो कटने के चांसेस बढ़ जाएंगी। पतंग को ऊपर रख के चलाने लग गए हैं आमिर हम तुम के मेंबर और पेज काफ़ी नीचे आ गया है, देख सकते हैं चिमनी और पेड़ आपको दिखने लग गया है। थोड़ा ऊंचा करके मुड्ढा दिया वापस से अकिल ने, थोड़ा सा ऊंचा करके मुड्ढा दिया वापस अकिल भाई ने और वापस से पटके खींचा अंदर की तरफ उतारते हुए अपनी पतंग को आमिर हम तुम के मेंबर। और देखिए पतंग को काफ़ी कम कर लाए हैं, 150 की रेंज में कम से कम ले आए हैं, कम करते जा रहे हैं अपनी पतंग को अभी भी लगातार। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया अंदर की तरफ ताकत से खींचते हुए अकिल भाई, ऊँचा करके मुड्ढा दिया अब और अंदर के ही मुड्ढे पे खींच रहे हैं और कम कर रहे हैं और पतंग को कम करते जा रहे हैं अकिल भाई भी और पीछे भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के पेज हो रहा है, बढ़िया पेज अकिल भाई काट रहे थे। तीसरा पेज ये चल रहा है अकिल भाई और आमिर के बीच में, बीचों बीच में मुड्ढा रखे हुए हैं लेकिन नीचे होने की वजह से गद्दा नहीं मार रहे हैं आमिर। और देखिए निकलता हुआ गद्दा मार लिया, खड़ा खींचा है अकिल भाई ने, दोनों लोग खींच रहे हैं अंदर की तरफ पतंग अकिल भाई की, आयो बढ़िया काट दिया अकिल भाई ने आमिर को। 3 पेजेस के साथ पूरे हो गए हैं अकिल भाई के जो कि इंडियन काइट क्लब के मेंबर हैं। नीचे से लड़ा रहे हैं कैप्टन इंडियन क्लब के जावेद भाई और ऊपर से लड़ा रहे हैं जाहिद भाई हम तुम के मेंबर। पेज थोड़ा सा 300 की रेंज में हो रहा है, मुड्ढा रखते हुए जाहिद भाई, थोड़ी सी पतंग बढ़ है जावेद भाई की, सही की आवाज़ हो चुकी है, बीचों बीच में अपना मुड्ढा रखे हैं जाहिद भाई, गड़ोता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं और जावेद भाई इसी जगह पे अपने पतंग को रोके हुए, देखिए गर्दन के पास आए और हटा ली, थोड़ा सा फिर से जगह ली है नीचे से जावेद भाई ने, बीचों बीच में अपनी पतंग को लेके गए हैं जाहिद भाई, ऊंचा करके मुड्ढा दिया अंदर की तरफ पतंग को चलाते हुए, बाहर की तरफ निकलता हुआ मुड्ढा बनाया है फिर से जाहिद भाई ने उसी मुड्ढे को लेके चलते हुए और कंठी पट की तरफ रखने की कोशिश करी जावेद भाई ने लेकिन शायद पेज आया नहीं है, तो पेज आया नहीं, अगर आया होता तो काट काट हो जाती। काफ़ी सोच समझ के लड़ा रहे हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं और फिर डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए दोनों चुस्की पे रखे हैं, शायद ये सोच रहे हो पेज आया है, अगर पेज आया होता तब तक काट काट हो जाती।
तो दोबारा से देखिए पेज होगा, लेकिन चुस्की पर रखे हैं आप, दोबारा से जगह ले रहे हैं ऊपर से जाहिद भाई, और काफ़ी पतंग बढ़ है नीचे से जावेद भाई की, और देख सकते हैं ज़्यादा ऊंचा पेज नहीं हो रहा, नीचे से आपको पेड़ और चिमनी दिख जा रही होंगी फैक्ट्रियों की, काफ़ी नीचे नीचे ये पेज हो रहा है। तो वापस से जावेद भाई बाहर की तरफ खींचते हुए, और देखिए कंठी मार के फिर से रखने की पूरी कोशिश की, और डबल कर लिया है फिर से जाहिद भाई ने, तो देखते हैं ये है कि पेज आया कि नहीं आया। चुस्की और देखिए बढ़िया पेज आ गया था, जावेद भाई ने कंठी मार के रखा, बढ़िया पेज काट दिया है जाहिद भाई को। तो नीचे से जावेद भाई अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से आए हैं हम तुम के आमिर, बढ़िया पे लड़ा रहे हैं, मुड्ढा रखा निकलता हुआ बनाया, जावेद भाई अपनी पतंग को एक ही जगह पर रोके हैं, कंठी पर की तरफ खींचा ताकत से, आमिर भी खड़ा होता हुआ गद्दा मारते जा रहे हैं, बड़ पतंग जावेद भाई की, लेकिन बढ़िया पेज काट दिया बाहर की तरफ खींच के जावेद भाई ने। अब सही है ताज भाई, आओ एक लड़ा लो एक। जावेद भाई नीचे से अपना तीसरा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से आए हैं ताज भाई, बाहर की तरफ जावेद भाई ने दिखाया करोता हुआ मुठा मारते जा रहे ताज भाई पतंग भी अंदर की तरफ आ रही है, झटक दिया अंदर की तरफ पलट के, बहुत बढ़िया जावेद भाई ने तीसरा पेज ताज भाई को काट दिया। नीचे से लड़ा रहे हैं जावेद भाई अपना चौथा पेज, बढ़िया पेज तीन काट चुके हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं नदीम, लेकिन निकलता हुआ मुठा नदीम लाया, जावेद भाई उसको तेज झटक रहे हैं, तेज झटक रहे हैं, निकलोता हुआ मुठा मारते जा रहे हैं नदीम, और देखिए बढ़िया पेज अब पतंग कटी नदीम की, काफ़ी ऊँचा करके पतंग खड़ी कर ली है जावेद भाई ने, ये देख सकते हैं जावेद भाई की पतंग 450 की रेंज में ये पेज हो रहा है। जावेद भाई अपना पांचवा पे लड़ा रहे हैं, बढ़िया चार पेज काट चुके हैं, ऊपर से आए हैं हम तुम के सब्बू भाई, तो देखते हैं कि कैसे काटेंगे, या फिर जावेद भाई इसको भी काट के अपने पांच पेज पूरे कर लेंगे। देखिए काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया जावेद भाई ने, लेकिन सब्बू भाई ने अपनी पतंग को और ऊँचे कर लिया अंदर की तरफ, सब्बू भाई उतारते हुए, पेज अच्छी खासी है 450 की रेंज में पेज हो रहा है, जावेद भाई ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, निकलता हुआ सब्बू भाई ने बनाया है, जावेद भाई बाहर की तरफ खींच रहे हैं, दोनों लोग खींच रहे हैं, और देखिए झटकने लग गए हैं जावेद भाई तेज तेज, गद्दा मारते जा रहे हैं सब्बू भाई, जावेद भाई झटक रहे हैं और गद्दा मारते जा रहे हैं, और देखिए कट गए जावेद भाई, काफ़ी देर तक बाहर के मुड्ढे पे करके झटकते रहे और सब्बू भाई गद्दा मारते रहे, डोर मिली नहीं, इस वजह से जावेद भाई अपना यारा पेज कट गए। ऊपर से लड़ा रहे हैं जाहिद, नीचे से लड़ा रहे हैं अखिल भाई, इंडियन के मेंबर, मुड्ढा उतारते हुए सही की आवाज़ हो चुकी है, जगह लेते हुए पेज काफ़ी रेंज में चला गया है, करीब 600 मीटर की रेंज में, धीरे धीरे मुड्ढा उतारते हुए जाहिद भाई अपनी पतंग का हम तुम के मेंबर, और बाहर की तरफ अखिल भाई ने मुड्ढा बनाया, उसी पे डबल कर ली बहुत जल्दी जाहिद भाई ने, देखिए क्या होता, झटक रहे थे अखिल भाई, लेकिन बहुत बढ़िया पेज जाहिद भाई ने डबल करते हुए काट दिया। तो हमारे इंडियन काइट क्लब के संरक्षक और संस्थापक सलमान जी ये पेड़ लड़ा रहे हैं, अपनी भारी पतंग लेके नीचे से आए हैं, और ऊपर से लड़ा रहे हैं शाहिद भाई हम तुम के मेंबर, सही की आवाज़ हो गई है, तो देखते ये हैं सलमान जी जिन्होंने क्लब भी खोला और काफ़ी साल से पतंग लड़ा रहे हैं, आज भी लड़ाते हैं, तो देखते हैं कैसे लड़ाएंगे अपनी भारी पतंग से, और या फिर आज के नौजवान लड़के शाहिद भाई जो हमारे चचा हैं सलमान जी उनको खींच के काट देंगे, तो देखने वाला पेज है कि एक्सपीरियंस काम आता है या फिर खींच काम आती है। जगह लेते जा रहे हैं अपनी भारी पतंग से जाहिद, अपनी पतंग से ऊपर ही ऊपर डोर निकालते हुए पट की तरफ खींच लिया हमारे चचा ने, वापस से उतरते हुए, क्योंकि जाहिद भी पतंग भारी उड़ाए हैं, थोड़ा सा डबल करके इन्होंने एक दो पेज काटे हैं, अपने मेंबर को चांस दी है, लेकिन अब की बात सलमान चचा की पतंग भी काफ़ी भारी है, बढ़िया डोर, पुरानी डोर, बढ़िया भारी पतंग, धीरे धीरे जाहिद अपनी पतंग को रख रहे हैं, सही हो चुका है भारी पतंगे, अगर टूट गई तो पेज माना जाएगा। वापस अंदर की तरफ मुड्ढा उतारते हुए जाहिद और चचा अपनी पतंग को एक ही जगह पे चला रहे हैं, धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड्ढा उतारते हुए जाहिद ऊंचा करके मुड्ढा दिखाया चचा ने, देखिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, बीच में एक पतंग आ रही है दूर वाली, जो थोड़ी दूर पतंग दिख रही वही है, वापस एक जगह लेते हुए चचा हमारे ऊंचा करके अंदर की तरफ मुड्ढा बनाया है, और जाहिद भी भारी पतंग है इसलिए एकदम से मुड्ढा नहीं रख रहे हैं, ऊंचा करके चचा ने मुड्ढा बनाया, वापस से पलटा अंदर की तरफ, वापस से पतंग को उतारा है जाहिद ने बीचों बीच में, चचा भी काफ़ी बढ़ दिए हुए हैं अंदर की तरफ उतारते जा रहे हैं जाहिद, तेज़ हाथों से देखिए खींचते जा रहे हैं, चचा ने पतंग को ऊँचा कर लिया और निकलता हुआ ताकत से जाहिद ने मारा और झटकने की कोशिश करी जब तक चचा ने, लेकिन कट गए। नीचे से लड़ा रहे हैं ताज भाई, ऊपर से लड़ा रहे हैं अज्जू भाई, इंडियन के मेंबर, अंदर की तरफ पतंग उतारते हुए ताज भाई अपनी पतंग को काफ़ी खड़ा करके लड़ा रहे हैं, और पतंग भी ताज भाई की बहुत जल्दी अंदर गिर रही है, अगर काट भी देंगे तो उसके बाद ज़रूर खिंचवाई जाएगी, देख सकते हो रुकी नहीं रही अंदर के मुड्ढे पर, तुरंत गिर जा रही है, निकलता हुआ मुड्ढा अज्जू भाई ने बनाया, रोका फिर से उसी गड़ोते हुए मुड्ढे को ताकत से मार दिया है, और ताज भाई चला रहे पतंग को चला, झटकने लग गए तेज तेज झटकने लगे, बढ़िया पे झटकते हुए ताज भाई ने अज्जू भाई की ये पतंग को काट दिया।
ऊपर से ला रहे हैं जावेद भाई, इंडियन के मेंबर निकलता हुआ मुठ्ठा बनाया ताज भाई की पतंग चलाते हुए अंदर की तरफ देखिए ताकत फिर झटक दिया, वो बढ़िया पेज झटकते हुए जावेद भाई को भी ये काट दिया। इसी पेज के साथ ताज भाई के तीन पेज पूरे हो गए। तो ऊपर से इंडियन के मेंबर मुठ्ठा रखते हुए ताज भाई नीचे से अपना चौथा पेज लड़ाते हुए सही की आवाज़ हो चुकी, निकलता हुआ फिर से बनाया। ताज भाई देखिए अंदर की तरफ पड़ करके झटक रहे थे लेकिन कट गए, बढ़िया पेज काट दिया अब की बार इंडियन के मेंबर ने ताज भाई को। हमारे आरिफ भाई लड़ाने जा रहे हैं, अब हम लोग इनका पेज देखेंगे। आरिफ भाई काटेंगे वो करिए काटेंगे, पहले ये बताइए आरिफ भाई काटेंगे कटेंगे? काटूंगा पक्का पक्का। तो चलिए हम लोग आरिफ भाई का पेज देखते हैं, पहला पेज लड़ा रहे हैं आज के दिन का और टाइम करीब 3 बज रहा है। सही की आवाज़ हो गई है, ऊपर से हमारे आरिफ भाई लड़ा रहे हैं, नीचे से तुषार भाई लड़ा रहे हैं। नीचे से तेज़ हाथों से जगह लेते जा रहे हैं तुषार भाई, और आरिफ भाई एकदम गर्दन की तरफ अपनी पतंग को उतारने की पूरी कोशिश, भारी पतंग उड़ाए हैं आरिफ भाई। देख सकते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ मुठ्ठे को नहीं उतार रहे ना जगह ले रहे हैं, गर्दन गर्दन ही अपनी पतंग को चलाते जा रहे हैं आरिफ भाई, और नीचे नीचे ही जगह लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तुषार भाई इंडियन के मेंबर। ऊपर से आरिफ भाई हम तुम के मेंबर जगह लेते जा रहे हैं, आरिफ भाई गर्दन की तरफ चलते जा रहे हैं, भारी पतंग 350 की रेंज में ये पेज हो रहा है। देखना ये है कि कौन काटेगा, देखिए एकदम कन्ने कन्ने पेज आ गए। आरिफ भाई ने जल्दी से अपने पतंग को गर्दन की तरफ लादने की पूरी कोशिश करी, तुषार के वापस से बनाया, वापस से गर्दन की तरफ पहुंचे हैं और देखिए लादने की पूरी कोशिश, तुषार भी एकदम नीचे करके लेकिन नहीं लादा और वापस उठा के पतंग को लिया क्योंकि पतंग काफ़ी नीचे हो गई है। तुषार उसी मुठ्ठे को जगह बनाए हुए हैं, लिए हुए हैं, हटा नहीं रहे, और देखिए वापस से आरिफ भाई ने जगह बनाई, सीधा सीधा गद्दा लाद दिया और जैसी खींचा तुषार ने बाहर की तरफ बढ़िया पेज गद्दा मार के आरिफ भाई ने तुषार को काट दिया। ये देखिए हमारे आरिफ भाई, हमारे आरिफ भाई आपने भी घेरते घेरते गर्दन के वास्ते वादा कर दिया, बहुत बढ़िया पेज आरिफ भाई को कटा दिया, बढ़िया पेज तुषार भाई काटा, जबकि खींच के लड़ाते हैं तुषार भाई बढ़िया अपनी भारी पतंग से निकलता हुआ मुठ्ठे को तुरंत सीधा गद्दा मार के हमारे आरिफ भाई ने काट दिया, बढ़िया पेज। ऊपर से लड़ा रहे हैं जाहिद भाई और नीचे से लड़ा रहे हैं जहर भाई इंडियन के मेंबर, देखते हैं कौन ये पेज काटता है। दोनों पहला पेज अपनी अपनी पतंग से थोड़ा सा गर्दन की तरफ बढ़ते हुए जाहिद भाई ऊपर से और थोड़ी सी ऊंचा करके मुड्ढा दिया है जहर भाई ने और गर्दन की तरफ बढ़ते हुए वापस से जाहिद भाई डबल करके पेज लड़ा रहे हैं। देखिए एकदम कन्ने मारने के चक्कर में घुसते चले जा रहे हैं और बचा रहे हैं अपनी पतंग को जहर भाई और सीधा मुड्ढा उतार दिया अपनी भारी पतंग से लेकिन दौर मिली नहीं। अब देखिए दोबारा निकलते हुए वर्मन है, बाहर जैसी खींचा डबल करते हुए जाहिद भाई ने जहर भाई को काट दिया। दूसरे थे यह अचानक पेच आ गया जिसकी वजह से पतंग जो है ये पेच यहाँ से लेके वहाँ तक के सुन लो दिल्ली तक दूसरे से कटती है, पेच नहीं होता। बहुत मेहनत करके बड़े भाई ये नहीं जाएगा बच्चा, अरे ना ये भाई तय की बात ही नहीं है, ये तो आप देख ही रहे हो दूसरे से कटेगी पतंग कैसे चला जाएगा, तय की बात ही नहीं होती भाई, ये कोई तय की बात थोड़ी ना कराया जाता है। अगर तार वाले होता ही नहीं है, होता ही नहीं है वाला, अगर सुनो ये चीज होती नहीं है ताज भाई, नहीं होती है, नहीं होती है भाई, भाई ये चीज नहीं होती है भाई, बिल्कुल जायज बात करिए, आगे से पेच नहीं होगा, लेकिन जेद भाई ने आके कहा कि आज ही पेच हो गया, ईमानदारी की टिकट लेके जा रहा हूँ मैं, टिकट लिए बड़ा कीमती पेच था ये जावेद भाई का जो हमने बड़ी मुश्किल से कटवाया आगे से। तो ये हमारे थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी के बाद टिकट ले जाते हुए हमारे ताज भाई मनोरंजन वाला भारी की आवाज़ हो गई है। हमारे आरिफ भाई देखिए बढ़िया गोल भारी की पतंगे निकाल रहे हैं इमरान पगल जी की, जो कि मेरठ के हैं, इमरान पगल के नाम से मशहूर हैं। तो आरिफ भाई आप लड़ाएंगे दूर की पतंगे? कोशिश तो पूरी जाएगी, मेरी नंबर मेरे बनना चाहिए। अच्छा तो आप ही का नंबर लगेगा दूर के पेज में। तो देखिए जावेद भाई ने आवाज़ दी कि दूर लड़ेगी और आरिफ भाई अपनी भारी पतंग निकाली है मेरठ की इमरान पगल जी की, तो देखते हैं ज़्यादा दूर वाला पेज। हम लोग तो ऊपर से लड़ा रहे हैं अखिल भाई इंडियन के मेंबर, नीचे से लड़ा रहे हैं ताज भाई अपना दूसरा पेज निकलता हुआ गद्दा बनाया है। अखिल भाई ने इंडियन के मेंबर पतंग को चला रहे हैं, रोके हैं और अंदर की तरफ देखिए पट की तरफ झटका तेज तेज और बढ़िया बड़े आराम से काट दिया अखिल भाई को ताज भाई ने, बढ़िया पेज काटा। नीचे से ताज भाई अपना तीसरा पेज लड़ा रहे हैं, ऊपर से आए हैं इंडियन के मेंबर काटने के लिए, तो देखते हैं कि क्या तीसरा पेज ताज भाई अपना काट के पूरा कर पाते हैं या फिर इंडियन के मेंबर रोक लेंगे। ऊपर से मुड्ढा बनाए हुए हैं, सही की आवाज़ हो चुकी है और ताज भाई हमेशा की तरह ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं और पतंग को चलाते जा रहे हैं।
देखते हैं कि कैसे लड़ाई का पेज याला पतंग को चलाते जा रहे हैं। डोर को एकदम सीधा रखे हुए हैं, पट की तरफ खींचा ताज भाई ने, डोर निकाल रहे हैं। ताज भाई ने थोड़ा सा तीछा करके जगह ली, ऊपर से गद्दा बनाते हुए इंडियन के मेंबर अंदर की तरफ पतंग को सीधा मुड्ढा दिखाया। ताज भाई ने ऊंचा करके मुड्ढा दिया, गड़ोता हुआ बनाया, रोका, फिर से बाहर निकलता हुआ खींच रहे, डबल होती हुई पतंग जा रही है इंडियन के मेंबर की। ताज भाई रोके हैं, अंदर की तरफ खींचा, पट की तरफ पतंग कर ली, लेकिन काट काट नहीं हुई। और ये देखिए डोर लग गई, ताज भाई की पतंग कट गई, लेकिन लड़ेगा दूर। अबे ताज भाई लड़ाओ यार, छोटे छोटे यार। तो फ्रेंड्स, भारी पतंगे बनाई जा रही है क्योंकि जावेद भाई इंडियन काइट क्लब की ओर से कहा गया है कि दूर पेज लड़ेंगे। तो सब लोग देखिए अपनी भारी भारी एकदम दीप कुमार फर्मे जैसी गोल पतंगे तैयार करते जा रहे हैं। तो हम लोग भाई से पूछते हैं, सब्बू भाई से, किसकी पतंग ये बना रहे हैं, क्योंकि सबके हाथ में यही पतंगे दिख रही है भारी भारी। सब्बू भाई किसकी पतंग है ये? वो दीप कुमार की है। अच्छा, वो काली दीप कुमार की है। और ये आपके हाथ में, ये देखिए इमरान भाई की, इमरान पगल नाम, सब लोग इन्हीं की पतंग उड़ा रहे हैं, भारी पतंगे अजंता पे। अच्छा, रजी के शागिर्द हैं। तो देखिए बढ़िया पतंगे, अब देखते हैं दूर का पेज। ऊपर से जहर भाई अपनी पतंग को चला रहे हैं एक ही जगह पे, ऊंचाई ऊंचा, और नीचे से आमिर भाई भी अपनी पतंग को ज़्यादा ऊँचे करके मुड्ढा नहीं दे रहे हैं। पेज सही हो चुका है और पतंग भी काफ़ी बड़ है, ऊंचा ऊंचा ही पतंग को चला रहे हैं। आमिर भी अपनी पतंग को एक ही जगह पे चलाते जा रहे हैं। पेस सही है, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा आमिर ने दिया है, लेकिन जहर भाई इस पर मुड्ढा नहीं रख रहा, मुड्ढा उतारा जल्दी से जहर भाई ने, निकलता हुआ पतंग को चलाया गर्दन की तरफ बढ़ते हुए। जहर भाई धीरे धीरे ऊंचा करे हुए हैं, आमिर अपनी पतंग को टेढ़ा करा के जगह लिए हैं, चला रहे हैं। जहर भाई ने अपनी पतंग को चलाया, ऊंचा मुड्ढा एक दिया, उसी पर गड़ोता हुआ मारते जा रहे हैं। जहर भाई पट की तरफ खींचा है आमिर ने, दोनों लोग खींच रहे हैं पट की तरफ, दोनों पतंगे बहुत ताकत से अंदर की तरफ आ रही है पतंग। आमिर के बढ़िया पेज काट दिया जहर को अंदर की तरफ पट खींच के, गजब का पेज, 1000 मीटर की रेंज में ये पेज हो रहा है। ऊपर से जावेद भाई, नीचे से आरिफ भाई और चन्ना भाई लड़ा रहे हैं। जावेद भाई के कहने पे ये दूर का पेज हो रहा है, जो कि इंडियन के मेंबर हैं। सही की आवाज़ हो चुकी है, दोनों अपनी भारी पतंगे उड़ा के गए हैं। तो देखना ये है कि कौन ये पेज काटेगा, और 1000 की रेंज है, खींचा जाएगा या फिर फंसाने की कोशिश होगी। ऊपर से जावेद भाई अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए, नीचे से आरिफ भाई अपनी भारी पतंग को लिए हुए ऊंचा करके बहुत जल्दी से, ताकत से जल्दी से आरिफ भाई ने खींचा डबल करने की कोशिश में, और जावेद भाई भी खड़ा खड़ा खींच रहे हैं, दोनों पतंगे खड़े के मुड्ढे पे, लेकिन काट काट नहीं हुई। काफ़ी रेंज पे ये पेज हो रहा है और दोनों भारी पतंगे लड़ रही हैं। 4:30 बजते ही हम आपको टिकट की एक अपडेट देंगे, या याला पेज होते ही हम आपको टिकट की अपडेट देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इस वक्त 4:30 बजे किसके पास कितने टिकट हैं। काफ़ी रेंज में भारी पेज सही हो चुका है, कैंसिल की आवाज़ नहीं हुई, उसी मुड्ढे को दोबारा से लड़ाया जा रहा है। तो ऊपर से जावेद भाई फिर से अपना मुड्ढा रखते हुए, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से मारते जा रहे हो। देखिए डबल करते हुए तेज तेज झटके मार रहे हैं, आरिफ भाई अपनी पतंग को खड़ा करके झटके मार रहे हैं, दोनों लोग झटकों पर रखे हुए हैं, और डोर निकाल लें, हल्की हल्की डोर निकाल लें, और देखिए खड़ी खड़ी पतंग करके आरिफ भाई ने जावेद भाई की पतंग को काट दिया। तो देखिए जाहिद भाई हमारे दूर की पतंग बढ़ा रहे हैं, भारी पतंग, बढ़िया पतंग। तो जाहिद भाई किसकी पतंग है ये? ये प्रेम जी बीकानेर वालों की पतंग है। प्रेम जी बीकानेर, बीकानेर के कारीगर हैं जी, बीकानेर के कारीगर हैं। देखिए बढ़िया कौड़ी वर्क है, नंबर से पतंग आती है। अच्छा, नंबर से, 8 नंबर से, मतलब इनका एक रूल है कि दूर जो लड़ेगा कुछ 8 नंबर 32 नंबर, अच्छा, हर शहर के नंबर डाल रखे हैं। अच्छा, मतलब इन्होंने ये कहा कि जैसे छोटी है तो उसका 3 नंबर, अगर भारी पतंग है तो कोई 8 नंबर 10 नंबर लड़ा रहे हैं, तो इस कागज के ऊपर, इस फर्मे के ऊपर वो उन्होंने, अच्छा, फर्मे बना रखे हैं। तो ये देखिए जाहिद भाई ने बताया कि ये एकदम अलग पतंग बताई है कि जो नंबर के हिसाब से चलती है, कि अगर आपको भारी लेनी तो आप अगर बोलोगे कि प्रेम भाई की 10 नंबर, तो समझ जाएगा आदमी को कि आपको किस तरह की पतंग की मांग। इसका रेट क्या होता है जाहिद भाई, कुछ आइडिया? भाई कोई आइडिया नहीं है, बट ये रेट ये बेचते नहीं है, शौकीन किस्म के आदमी है। अच्छा, शौकीन है अपने बनाते हैं, और शौक के हिसाब से जो उनके लोग होते हैं उन्हीं को दे देते हैं। अच्छा, उन्हीं को दे देते हैं। तो देखिए बढ़िया पतंग है, अभी दूर पे ये लड़ेगी, तैयारी की जा रही है। टिकट का लाने ले जाने का काम कर रहे हैं इंडियन क्लब की ओर से वो हमारे बंटी भाई कर रहे हैं। तो बंटी भाई, 4:30 बजे का टाइम है, कितने टिकट हैं आपके पास अभी? 3 टिकट है। तो हम तुम के 3 टिकट अभी इंडियन काइट क्लब के पास हैं, और देखते हैं जो भी 1 घंटे का गेम बचा है उसमें टिकट आते हैं या जाते हैं। तो नीचे से आरिफ भाई जगह लेते हुए, आरिफ शम्मा भाई हम तुम के लिए जगह लेते हुए, दूर का पेज हो रहा है 1000 मीटर की रेंज में, और ऊपर से हमारे जावेद भाई मुड्ढा रखते हुए भारी पतंगे, सही की आवाज़ दी जावेद भाई ने। देखते हैं अब की बार कौन ये पेज काटेगा, भारी पतंगे, दूर का पेज,
नीचे से आरिफ छम्मा भाई दिल्ली के मेंबर हम तुम क्लब और ऊपर से इंडियन क्लब लखनऊ के। और देखिए अकड़ौता वो मुड्ढा बनाया, रोका चुस्की ऊपर रख लिया है, छम्मा भाई भी रखे हो, देखिए बढ़िया सीधे सीधे करे करे बढ़िया पेच काट दिया। तो नीचे से लड़ा रहे हैं आमिर और ऊपर से लड़ा रहे हैं जहर भाई इंडियन के मेंबर। तो नीचे से हम तुम के मेंबर आमिर जगह लेते हुए ऊपर से जहर भाई इंडियन के मेंबर अपनी बड़ पतंग को लिए हुए हैं गर्दन के पास जाते हुए अंदर की तरफ खड़ा ताकत से खींचा। आमिर ने बाहर निकलता हुआ मारा है, जहर ने दोनों लोग ताकत से खींच रहे हैं और बढ़िया पेज बाहर की तरफ खींचते हुए जहर ने आमिर को ये पेज काट दिया। ऊपर से लड़ा रहे हैं नदीम, नीचे से जहर भाई अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं। काफ़ी अंदर ताकत से जल्दी हाथ से जगह लेते हुए नदीम भाई हम तुम के मेंबर देख सकते हो नीचे से काफ़ी टेढ़ा कराए हुए हैं जहर भाई और पतंग भी काफ़ी अपनी बढ़ दिए हुए हैं। देखिए हाथ की तरफ उतरते हुए नदीम भाई ऊपर से हम तुम के मेंबर नीचे से टेढ़ा करा के जगह लिए हुए हैं काफ़ी बढ़ देख के। जहर भाई कोई एकदम गर्दन की तरफ या कम करके पतंग को नहीं लड़ा रहा, देख रहे दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ ही जगह लिए हैं। मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं एक पतंग आपको एक फ्रेम में कोने पर दिख रही है, एक पतंग दूसरे कोने पर है, काफ़ी जगह लिए हुए हैं, थोड़ा सा गर्दन की तरफ बाहर निकाला है और अभी भी अंदर की तरफ ही पतंग को उतारते हुए नदीम भाई हम तुम के मेंबर सीधी सीधी पतंग उतारते जा रहे हैं। जहर भाई ने पतंग को ऊंचा करके मुड्ढा दिया, छोड़ दिया, पतंग काफ़ी कम करके ले आए हैं नदीम हम तुम के मेंबर। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, रोका और पतंग अपनी काफ़ी बढ़ दिए हुए हैं जहर भाई और अंदर की तरफ ही पतंग को चलाते जा रहे हैं नदीम भाई। देखिए अंदर के मुड्ढे पे उतारने जा रहे हैं, गद्दा बनाया, रोका और खड़ा खींच दिया, ताकत से बाहर निकलता हुआ मारा है नदीम ने लेकिन कट गए, बढ़िया बाहर ताकत से खींच के जहर भाई ने नदीम भाई की जो कम पतंग थी काट दी। तो ऊपर से काटने के लिए जाहिद भाई आए हैं हम तुम के मेंबर, नीचे से लड़ा रहे हैं जहर अपना तीसरा पेज, 600 की रेंज में कम से कम ये पेज हो रहा है। ऊपर से थोड़ा सा निकलता हुआ मार रहे हैं जाहिद भाई ऊपर से हम तुम के मेंबर और जैसी ताकत से खड़ा खींचा जहर भाई ने तुरंत पतंग कट गई जाहिद भाई की। तो नीचे से लड़ा रहे हैं जहर भाई, ऊपर से लड़ा रहे हैं ताज भाई, पेज सही हो चुका है, पेज करीब 400 की रेंज में निकलता हुआ मुड्ढा ताज भाई ने बनाया, रोका, जहर भाई अपनी पतंग को चला रहे हैं अंदर की तरफ, जगह लेते जा रहे हैं, एक पतंग आगे है तो जगह नहीं ले पा रहे हैं। ताज भाई ने सीधा गद्दा गद्दा बनाया और मारते जा रहे हैं उसी गद्दे को, ताकत से भरा हुआ कंठी पट की तरफ, जहर भाई भी खींच रहे हैं, दोनों लोग खींच रहे हैं। देखिए रोक के वापस सीधा कर लिया अपनी पतंग को ताज भाई ने, काट काट नहीं हुई और पतंग राउंड होके बिल्कुल बाहर की तरफ पट पे हुई थी। तो देखना ये है कि पतंग लड़ाई जाएगी हटवाई जाएगी। तो ताज भाई ने अपनी पतंग को जल्दी जल्दी ऊँचा कर लिया है और जहर भाई उसी पतंग से दोबारा जगह ले रहे हैं, तो पतंग कैंसिल नहीं हुई है, पेज चल रहा है, कोना करके जगह लिए हुए हैं ताज भाई उसी पे, फिर से मुड्ढा बना रहे हैं, निकलता हुआ बनाया, थोड़ा सा रोका, फिर से निकलता हुआ बनाया, रोका, अंदर की तरफ जहर ने खींच दिया उसी को मार रहा है, अंदर की पतंग ताज भाई की आ रही है बाहर की पतंग, लेकिन बाहर की तरफ खींच के जहर भाई ने ये पेज ताज भाई को काट दिया और इसी पेज के साथ चार पेज अपने पूरे कर लिए हैं जहर भाई ने। अरे मैं पतंग में घुसा हुआ था, मेरे बाप को देखा ही नहीं, उसने पहले आवाज दी आपने बाद में भाई, मैं सुन रहा हूँ वही बजा दी, किसने वही बोल तो आ रहा है, अगर मैंने आ रहा पहले उसने आवाज दी फिर तुमने दी, यार तुम्हें यार ये कोई बात नहीं है, देखिए मैं गलत डिसीजन हो गया, हम जब अपनी टीम के खिलाफ जाके आपके लिए कह सकते। सातवां पेज लड़ रहा है ये, ऊपर से लड़ा रहे हैं जाहिद भाई और नीचे से लड़ा रहे हैं जहर भाई अपना सातवां पेज इंडियन काइट क्लब के लिए और ऊपर से हैं दिल्ली के हम तुम काइट क्लब के मेंबर। तो देखते हैं ये कौन काटता है, थोड़ी बाहर की पतंग लग रही है ऊपर से जाहिद भाई की, जब मुड्ढा रख रहे हैं तो पतंग बाहर की तरफ जा रही है देख सकते हैं, और नीचे से जहर भाई अपना सातवां पेज लड़ाते हुए कंटिन्यू, सही की आवाज़ हो गई है दोनों मेंबर की ओर से। और मैं बता दूं जो पांचवा पेज था वो पेज पे ही पतंग टूट गई थी, फ्री का मिल गया था जहर भाई को सही करते ही। तो अब देखना ये है कि क्या आज जहर भाई सात काट पाते हैं कि नहीं, क्योंकि एक पतंग से पहले भी ये शुरुआत में छः काट चुके थे और सातवें पे कट गए थे।
सातवां पेज चल रहा है जहर भाई और जाहिद भाई के बीच में। नीचे से जगह लिए हैं जहर भाई, ऊपर से जाहिद भाई। गर्दन के पास जाते हुए देखिए पतंग थोड़ी सी बाहर की है, जैसी मुड्ढा रख रहे हैं तो अंदर की तरफ घूम के आ रही है। नीचे से जहर भाई निकलता हुआ, जाहिद भाई ने बनाया उसी को ताकत से मारते रहे, बाहर की तरफ ताकत से खींचा जहर भाई ने, बढ़िया सात पेज काट दिए। तो इसी के साथ आज के दिन में इंडियन काइट क्लब ने अपने सात पेज काटे जो कि जहर भाई ने काटे हैं हम तुम काइट क्लब दिल्ली को। हमारे जहर भाई इन्होंने साथ काटे हैं अभी हम तुम क्लब को जो दिल्ली का क्लब है। तो जहर भाई कुछ एक ये बता दीजिए आप कौन सी रील इस्तेमाल करें तो कौन सी पतंग, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई उन्होंने ये काटा कौन सी रील थी। तो ये कम से कम बता दीजिए कि कौन सी रील आपने बांधी हुई थी, कौन सी पतंग उड़ा रहा है। रील थी अलजैन की। अच्छा, अलजैन की रील थी और पतंग थी वाहिद की। वाहिद की पतंग थी, अलजैन की रील थी। ये हमारे साथ में है जहर भाई। जहर भाई कोई ब्लॉक भी अलग अलग आते हैं उसमें की, या फिर कोई एक ही ब्लॉक था अलजैन? नहीं नहीं, एक मार्कोस ब्लॉक आता है अलजैन का, मार्कोस 2400। अच्छा, वो बांधे। तो ये हमारे जहर भाई इंडियन क्लब की ओर से इन्होंने सात बहुत बढ़िया काटे, छह भी काटे और सात भी काटे, बढ़िया, शुक्रिया। तो ऊपर से ताज भाई लड़ा रहे हैं, नीचे से जहर अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं। टेढ़ा करा के जगह लिए हुए हैं नीचे से जहर भाई, ऊपर से ताज भाई। और पतंग ताज भाई की फिर से थोड़ी सी बाहर की लग रही है, जब गद्दा मार रहे तो अंदर की तरफ आ रही है। देखिए वापस से गद्दा मारा अंदर की तरफ, धीरे धीरे पतंग घूमती जा रही है। और देखिए चुस्कियों पर रख लिया है और जहर भाई भी चुस्की पर रखे हैं, लेकिन बल गलत हैं जहर भाई के। तो देखते हैं कि कौन काटता है ये पेज। बाहर के बल हैं, जहर भाई के दोनों चुस्कियों पर रखे हैं, बढ़िया पेज दोनों चुस्कियों पर रखे हुए हैं, कोई काट करने। और ये देखिए जैसी थोड़ा सा टाइट करा ताज भाई ने, जहर भाई की पतंग जो बाहर के बल पे थी कट गई। तो ऊपर से लड़ा रहे हैं आरिफ और छम्मा भाई, और ये एक या दो पेज और होने हैं। तो देखते हैं आरिफ भाई कैसे काटेंगे नीचे से अज्जू भाई को। अज्जू भाई नीचे से दो पेज काट चुके हैं। देखिए वापस आ रही भाई गर्दन की तरफ चलते हुए, बाहर की पतंग है जैसी मुड्ढा रख रहे हैं तो अंदर की तरफ घूम रही है, गर्दन के पास एकदम लिया। देखिए डबल करने की कोशिश करी बाहर की तरफ, अज्जू भाई ने खींची लेकिन पेज नहीं आया है। और दोबारा से देखिए आरिफ भाई पेज को रखेंगे, और इससे पहले भी आज इन्होंने जो दो तीन पेज लड़ाए उसमें भी कोई पेज नहीं कटे। दूर का पेज जो हुआ था वो भी आरिफ और छम्मा भाई ने लड़ाए थे, और दोबारा से पेज होगा। दौर निकाली जा रही है, नीचे से जगह ले रहे हैं अज्जू भाई फिर से, और ऊपर से आरिफ भाई हम तुम के कैप्टन। तो जगह लेते जा रहे हैं नीचे से, ऊपर से आरिफ भाई, सही की आवाज़ हो चुकी है। हो गया, हो गया। गर्दन के पास ही पतंग रखते हैं अपनी, वो भारी उड़ाते हैं सीधा लग जाते हैं। देखिए जल्दी से लग गया, डबल करने की पूरी कोशिश, और देखिए बाहर करके बढ़िया डबल कर लिए डोरों पे। और ये देखिए फिर से बढ़िया पेज काट दिया अज्जू भाई को आरिफ भाई। तो आज का गेम एंड हो गया है, जिसमें इंडियन काइट क्लब हम तुम काइट क्लब से 60 टिकट से गेम जीत गया है। और ये हमारा हम तुम काइट क्लब, दो पतंगे इनकी तनी हुई थी उतारते हुए, बढ़िया गेम रहा, सिर्फ 7 टिकट से आज का गेम इनका कम रहा है इंडियन काइट क्लब के सामने, बढ़िया लो। और ये हमारे कैप्टन, तो एक बार हम लोग कैप्टन से पूछ लेते हैं आरिफ भाई से कैसा लड़ा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आरिफ भाई ने आज 4 पेज लड़ाए, चारों में से कोई पेज आज आरिफ भाई नहीं कटे, बहुत बढ़िया पेज हमारे आरिफ भाई ने लड़ाए। हम तुम काइट क्लब के कैप्टन है, दिल्ली की टीम है। तो आरिफ भाई क्या कहना चाहते हैं आज के गेम के बारे में? बढ़िया लड़ा, गेम बहुत अच्छा लड़ा, जिसे बहुत अच्छा लड़ा। आपका गेम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़ा, आपने दूर पे भी काटे छोटे भी काटे, बस बस बस। तो ये हमारे आरिफ भाई और छम्मा भाई, बहुत बढ़िया गेम हम तुम के कैप्टन, और बढ़िया गेम रहा। और तीन पतंगे उतर रही है, और देखिए आरिफ भाई ने जिस पतंग से काटा था वो उतर रही है, ये देख सकते हैं ये पतंग लगी है हमारी, दीप कुमार आरिफ भाई, दीप कुमार की पतंग है। और ये देखिए पतंग, दीप कुमार की भारी पतंग, इसी पतंग से अभी इन्होंने अपना चौथा पेज काटा, वो पतंग को उतार लिया। यह गेम लड़ा पैकिंग करते हुए, तीन पतंगे उतारते हुए हम तुम काइट क्लब के
कैप्टन ऑफ मेंबर्स, ये भी मेंबर हम दूंगे दिल्ली के। और ये देखिए ये लखनऊ के मेंबर हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, है हेल्प कर रहे हैं, हेल्प भाई की। देखिए आरिफ भाई कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चंबा भाई की मोहब्बत में हेल्प कर रहे हैं, चंबा भाई की मोहब्बत में हेल्प कर रहे हैं, इनको इसी गाड़ी में ले जाइएगा शाम को, ले जाएंगे इंशाल्लाह। और सुफियान देख रहे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा यहाँ हेल्प हो रही है, और ये टीम बदल लेके फिराक में। और ये देखिए पतंग उतार के लिए आए हमारे चंबा भाई, आरिफ भाई, ये दीप कुमार की ये पतंग लड़ा रहे थे, देखिए बढ़िया पतंग, गढ़िया काप ठंडे। तो आरिफ भाई ये पतंग आपने ये लखनऊ से ली है या फिर? लखनऊ से मंगवाई थी मैंने। अच्छा लखनऊ से ही मंगवाई थी आपने? जी जी। किसके थ्रू मंगवाई थी कुछ बता सकते हैं क्या? भाई मंगवाई थी हमारे एक सदा का चचा है हमारे यहाँ, सदा का चचा जी, जिसे मंगवाई थी मैंने। अच्छा बढ़िया पतंग है, देखिए इसी पतंग से लड़ा रहे थे, उसी पतंग से इन्होंने काटे हैं सबको ऊपर से गद्दा मार मार के, बढ़िया।